इस बिल्डिंग पे कर। और मैं आपको बता दूं जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां जो इस रस्ते की बजाय इस रस्ते से सामान देती हैं, उन सभी कंपनियों के एथिकल कंपनियों के दो दो चार चार लोगों को बुलाया गया प्रतिनिधियों को, क्योंकि मैं इस तरह के पंगों में पैर फंसाया रहता हूं। इस केस को पाके से आपसी के जो चार लोग गए थे उसमें मेरा नाम दिया गया और मैं भी इस मीटिंग के अंदर शामिल था। इस मीटिंग की खूबी क्या थी वो आपको बताने के लिए मैं कुछ लोगों के नाम गिनाता हूँ जो जो इस मीटिंग में शामिल थे, आपको इसकी महत्वता पता चल जाएगी। हमारी इंडस्ट्री कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के तहत आती है, तो हमारी इंडस्ट्री जिस मिनिस्ट्री के तहत आती है वो मिनिस्ट्री है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री। तो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के मेन मिनिस्टर मिस्टर राम विलास पासवान जो आज भी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है, ये भी इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका का राजदूत वो भी इस मीटिंग के अंदर शामिल था, और दुनिया के बड़े धुरंधर डायरेक्ट सेलर अमेरिका के, जापान के, चाइना के, वो लोग भी इस मीटिंग के अंदर शामिल। और इस मीटिंग के अंदर हुआ क्या कि वहां पे प्रेजेंटेशन दी कि भारत में हम पहली बार ये मीटिंग कर रहे हैं, फिक्की ने ऑर्गेनाइज की थी वो FICCI, और उद्देश्य क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट को कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री को यह समझाना कि डायरेक्ट सेलिंग कितनी अच्छी चीज है जो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। वहां पे डाटा दिखाया गया, ऐसे लाइन मारी गई और कहा गया कि अमेरिका में इतना बिजनेस है, चाइना में इतना बिजनेस है, किसी देश में इतना, किसी देश में इतना, किसी देश में इतना, किसी देश में इतना। तो 10 डायरेक्ट सेलर देशों के नाम यहां पे लिख दिए गए। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना और 10वें नंबर पे रशिया था जो इतना था, भारत का कहीं भी नाम लिखा। इसको समझने के लिए एक चीज समझे, इस रस्ते से की बजाय इस रस्ते से कितने हजार करोड़ का व्यवसाय किस देश में होता है। नंबर वन पे था अमेरिका। अगर पूरी दुनिया में, ध्यान से समझना, पूरी दुनिया में इस रस्ते की बजाय इस रस्ते से अगर 100 करोड़ का व्यवसाय हर रोज होता है तो अकेले 18 करोड़ का व्यवसाय अमेरिका में होता है, 13 करोड़ का व्यवसाय चाइना में होता है, और ये 2013 का डाटा बता रहा हूं, आज का डाटा नहीं, आज का कुछ और हो सकता है। और तीसरे नंबर सबसे लास्ट में 10वें नंबर पे 2 करोड़ का होता है रशिया। इसके बीच में बहुत से देश आते हैं। इंडिया में कितना है ये बात आई तो यहाँ इंडिया लिखा गया, भारत इंडिया में होता है इतना नहीं, एक इतना दिखाई दे रहा है, इतना ही होता है। और ये सिर्फ भारतीय का नहीं है, सबका मिला, सबका मिला। मजे की बात यह है भाई कि इतने से बिजनेस में भी अगर यहाँ पे आरसीएम से सैकड़ों लोग करोड़पति बन गए तो ये सोचो कि जब ये बिजनेस इतना होगा तो क्या होगा, और इतना होगा तो क्या होगा, और इतना होगा तो क्या होगा, और इतना होगा तो क्या होगा। हेलो, और अमेरिका जितना होगा तो क्या होगा। हेलो, इसी डाटे के आधार पे मैं ये दावा करता हूँ कि अभी ये बिजनेस भारत में शुरू भी नहीं हुआ है। हेलो, आप सब लोग। और दूसरी बात चलो, नहीं हुआ ये बात ठीक है, लेकिन क्या इतना होगा या नहीं होगा, इस पोटेंशियल पे और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि तभी तो बिजनेस बनेगा। बता दू, आप सबको पता होगा कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में गिना जाता है, ये सब चाइना और भारत का कॉम्पिटिशन चल रहा है, जानते हैं आप। और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है, ये सुनो, पूरी दुनिया के लोग भारत में बिजनेस करने के लिए तरसते हैं। दूध बेचने आए थे, व्यापार करने आए थे, ये सुनो, मुगल व्यापार करने आए थे, ये व्यापार करने आए थे, चाइना भारत में व्यापार करके भी इसी देश बन गया। ये बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे पास, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सर, अमेरिका आज दुनिया का नंबर वन है डायरेक्ट सेलिंग में 18% की भागीदारी के साथ, जबकि अमेरिका की टोटल आबादी, क्योंकि रिएक्ट करने से बिजनेस होता है, हेलो, एक स्टेट यूपी से भी कम है। हेलो, यानी कि अमेरिका का जितना बिजनेस है इतना बिजनेस तो एक अकेले यूपी में हो सकता है, इतना बड़ा पोटेंशियल, इतना बड़ा स्कोप है भारत का। अभी 5 दिसंबर सन 2017
एजेंसी की हाउस में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री और फिक्की के ऑर्गेनाइजेशन में एक मीटिंग हुई जिसमें कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के चीफ सेक्रेटरी अविनाश के श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में आए। उन्होंने अपनी बात स्टेज से ऐसी घोषणा कर दी जिसको सुन के हम सारे लोग हिल गए। बता दूं क्या उन्होंने यह कहा कि अमेरिका भले ही आज नंबर वन है लेकिन जिस तरह की सिचुएशन इंडिया में है आने वाले समय में इंडिया भारत वर्ल्ड का नंबर वन डायरेक्टर दूसरी प्लस पॉइंट